लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला महाराष्ट्र के दौरे पर, अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के राजभवन में संवाद कार्यक्रम इस वक्त जारी है। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के सदस्यों से संवाद यहां किया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से मैं विनती करती हूँ, मासिया के अध्यक्ष श्री ललित गांधी जी से इन फूलों का, शॉल का और साथ ही चांदी के इस मंगल कलश का स्वीकार करें। स्वागत एवं सम्मान का प्रतीक। धन्यवाद। और अब नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्थापना विधि होगा। मासिया के अध्यक्ष श्री ललित गांधी जी को प्रेसिडेंशियल कप प्रदान करने की प्रार्थना मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी तथा माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी से करती हूँ। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के अध्यक्ष श्री ललित गांधी जी, उनका स्थापना विधि प्रेसिडेंशियल कप प्रदान करके हो गया है। बहुत बहुत बधाई। और अब मासिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार लोढ़ा जी को मान चिन्ह प्रदान करने की प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अब हम कुछ विशेष, चलिए आपको सीधा ले चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। महाराष्ट्र दौरे पर लिए अपने जीवन को समर्पित किया। वह ऐसे उद्योगपति थे उस समय जब भारत ने आजादी प्राप्त की थी। आजादी के बाद हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे, लेकिन हमारे पास प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन नहीं था। एक लंबे कालखंड तक हमने गुलामी, जिसके कारण हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। और आज़ादी के बाद हमारे देश में जिन लोगों ने आज़ादी का आंदोलन लड़ा, जिन उद्योगपति व्यापारियों ने उस आज़ादी के आंदोलन में सहयोग किया, उसके बाद नए भारत के निर्माण की दिशा तय करनी थी। हमारे पास संसाधन कम थे, लेकिन मानव संसाधन की दृष्टि से बौद्धिक क्षमता की दृष्टि से अपनी देश और राष्ट्र के समर्पण के संस्कृति संस्कार के कारण इस देश को इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, व्यापारिक सेक्टर के अंदर नए तरह के निर्माण की आवश्यकता थी। महाराष्ट्र की धरती जो आर्थिक राजधानी है, व्यापारिक राजधानी है, यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर का नया उदय हुआ है। जहाँ विविधता वाली संस्कृति है और देश के अलग अलग राज्य के लोग यहाँ आकर अपनी क्षमता के आधार पर काम कर